नमस्कार, मैं रविरंजन नल्ले और आप देख पा रहे हैं जेसीपी न्यूज़, यानी कि ग्रामीण पहल पहल। आज मैं उस रोड के बारे में आपको जानकारी दूंगा, प्राप्त कराऊंगा कि जो सड़क है, यह रोड है, यह सड़क बाके बाजार प्रखंड मुख्यालय को जोड़ती है रानीगंज से, और यह जीवन दान के रूप में यह सड़क कभी माना जाता था, लेकिन आज यह सड़क का स्थिति क्या है, कितना बदतर स्थिति है, भली भांति आप देख पाएंगे इस तरह से कितना आपको यह सड़क कम और यहाँ पर गड्ढे ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे। और मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि आप दिखाइए कि कितने यहाँ पर गड्ढे हैं, क्या हो चुके हैं। अगर इसको मैं इस तरह से दिखाता हूँ तो देखिए, ये सड़क नहीं बल्कि लग रहा है कि एक तालाब है, मछली मारने का ये है। इसी तरह से ये भी देख सकते हैं, और आगे आइए, और आगे आइए, और आगे आइए, देखिए क्या है, कितना है। और ये देख रहे हैं किस तरह से स्कॉर्पियो जा रहा है, और स्कॉर्पियो जाने में किस तरह का कंडीशन होता है देख पाते हैं। और यह सड़क किस तरह से आज सड़क में रहकर एक तालाब के रूप में तब्दील हो चुका है, और तमाम जनप्रतिनिधियों से जब इस सड़क के बारे में अवगत कराया जाता है, एप्लीकेशन दिया जाता है, आवेदन दिया जाता है, तो उनको इससे कोई मतलब नहीं है। जब चुनाव का समय आता है तो सिर्फ और सिर्फ वो जनता को बरगलाते हैं, उनका जो अहम मुद्दा होता है उस मुद्दों से हटाते हैं, और फिर वही मुद्दों से हटा कर क्या विकास का मुद्दा होना चाहिए, इन्हें वो नहीं कर पाते हैं, और तभी तो इस तरह के गड्ढा तस्वीर हो जाता है। और जो भी इसके ठेकेदार है बनाने के लिए, उनसे भी लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि इस तरह से आपको सड़क में गड्ढा दिखाई पड़ेंगे, तो इस सड़क पे हम कैसे चल सकते हैं, क्या कर सकते हैं। भली भांति आप देख सकते हैं, ये जो सड़क दिखाई पड़ रहा है, देख सकते हैं यहाँ बहुत गुना, तो बोल सकते हैं इतना गड्ढा हो चुका है। इस गड्ढे में किस तरह से आप ये करेंगे, ये देखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जी सी टी न्यूज़।